Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Junkyard Truck. और हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा घर है, वो भी घने जंगलों के बीच में. और सबसे बुरी बात, हम लोग इस गेम में अनएम्प्लॉयड है, यानी हमारे पास पैसा वैसा कमाने के लिए कुछ काम नहीं है. तो सबसे पहले तो मुझे इस गेम में अपने लिए एक जॉब ढूंढनी है जिससे मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा पाऊँ और कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकूँ. फिर उसके बाद मुझे कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और एक अमीर आदमी बनना है. लेट्स गो गाइस, चलते हैं गेम में. ऑलराइट गाइस, वेलकम टू जंकयार्ड ट्रक. फिलहाल जहां से अपना गेम स्टार्ट हुआ है, क्या ही प्यारी जगह है यार, मस्त माउंटेन व्यू आ रहा है और मुझे वहां पर दूर में कोई एक टावर सा दिख रहा है, शायद हम लोग वहां पर भी जा पाएंगे. फिलहाल ये है हमारा छोटा सा घर जिसकी मैं बात कर रहा था. और वो देखो भाई, पीछे वो खड़ी भाई अपनी गाड़ी. एक सेकेंड, ये वेट, पीछे से तो कुछ चाड़ा गाड़ी लग रही थी, बट हमें एक बहुत ज़्यादा तगड़ी मसल कार दी गई है. आई थिंक ये मसल कार है, देखने में से तो वैसे ही है, बट नहीं, ये 4x4 के टायर कुछ बाहर निकले हुए हैं. सीधी सी बात है, माउंटेन्स पे चलाने के लिए नॉर्मल सेडान वगैरह नहीं चलेगी, कुछ इस टाइप की गाड़ी मुझे चाहिए थी. एक बार बैठ के देखो चालू भी हो रही है या फिर नहीं. मैं गाड़ी के अंदर जा सकता हूँ? यस, मैं गाड़ी के अंदर जा सकता हूँ. और इस गाड़ी का गेट ओपन करा, ये लाइट जल गई शायद से. हाँ ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं अभी. यार ये क्या हो रहा, कंट्रोल थोड़े से डिफिकल्ट है इसके. गेट मैंने कर दिया बंद एंड गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई. कहीं से होगी, एक सेकेंड. गाड़ी में फ्यूल दिखा रहा है, बहुत कम है और कुछ तो एरर आ रहा है टेम्परेचर का. दोबारा से करता हूँ ट्राई. की घूम तो रही है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. गाना चलेगा क्या कोई? नहीं. गाड़ी स्टार्ट हो गई है भाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, लेट्स गो. फिलहाल अभी मैं कहीं जाने नहीं वाला, गाड़ी को बंद कर दो, मैं भी बाहर निकलता हूँ. पहले अपना घर भी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा घूमने चलेंगे. तो मैं पहले बाहर आ जाता हूँ गाड़ी से. दरवाज़ा कर देते हैं बंद, मैंने गाड़ी भी बंद कर दी है क्योंकि इस गेम में काफ़ी सारी चीज़ें ना रियलिस्टिक है, मतलब अगर गाड़ी चालू छोड़ दूंगा तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, ऐसा सीन है. बाकी एक बार घर के अंदर चलते हैं, घर पर अपना एक गैराज. और वेट, क्या मैं एक मैकेनिक हूँ? शायद से हम लोग पार्ट टाइम मैकेनिक भी हैं और हम लोग किसी की गाड़ी वगैरह रिपेयर करने के लिए आ जाए तो हम कर देंगे. बाकी हाँ, बहुत अच्छी जगह पर है ना हमारी शॉप, कौन आएगा भाई साहब इतनी ज़्यादा चढ़ाई पे गाड़ी रिपेयर कराने. फिलहाल मेरे को ऊपर जाना है और ऊपर अपना ब्रश वगैरह करने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए. हमारे पास देख रहे हो कितना प्यारा शीशा है, क्या प्यारा वॉश नहीं, हमारे शूज़ छी. ये फ्रिज है, फ्रिज फिर भी ठीक ठाक है. नहीं है तो बंद ही अच्छा लग रहा था भाई, रुक जाओ. इसके अंदर पानी की बॉटल लगती है ना भाई, पानी पीला हो गया निकलेगा. कुछ ज़्यादा ही पुराना फ्रिज है. यहाँ पर एक अपने पास माइक्रोवेव है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा. और एक कैसी पाइपें निकल रही यार कमरे से. यहाँ पर अपना टीवी है, काफ़ी ज़्यादा पुराना टीवी है और शायद से PS5 रखा हुआ है ब्लैक कलर का. और यहाँ पर गेम पैड, रिमोट और यहाँ पर गिटार है, टूटा हुआ गिटार नहीं है कुछ, अच्छा नहीं एक वायलिन है. वायलिन ही कहते हैं इसे, यप इसको वायलिन ही कहते हैं. ये वायलिन है और ये उसका पीछे वाला बॉक्स है. एंड यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत स्टफ है जो कि चाहिए होता है हमें. यहाँ पर ये सोफ़ा है और अपना बेड भी है, मतलब सोने के लिए बेड है और वैसे बैठने के लिए सोफ़ा है. ये अपना प्यारा सा कंप्यूटर है और यहाँ पर इसमें कुछ आ रहा है. जॉनी जक्स, आई थिंक आई फाउंड व्हाट यू वांटेड. क्या क्या चीज़? यू स्टिल लुकिंग फॉर अ ट्रक? माय जंक यार्ड रिसीवर ट्रक दिस मॉर्निंग एंड नॉट जस्ट एनी ट्रक, 1982 डायमंड बैग. ओके गाइस, तो अभी ये मुझे ना जॉनी का मैसेज आया है जो कि ना जंक यार्ड का काम करता है. वो कह रहा है कि तुमने बोला हुआ था ना तुम्हें एक ट्रक चाहिए, तो रिसेंटली उसके जंक यार्ड में एक पुराना ट्रक आया है जो कि अच्छा है. वो कह रहा है $400 में हमें बेच देगा, तो कह रहा है अपना कैश साथ लाना मत भूलना और ट्रक ले जाओ. तो अभी हमें उसके पास वो ट्रक लेने जाना है, तो कैश मैं ले लेता हूँ. ये पता नहीं कितने हैं मेरे पास, टोटल $500 हो चुके हैं और $400 का वो ट्रक है, यानी मैं ले लूंगा. बाकी एक और मैसेज आया था यहाँ पे. ओके, तो ये टॉइंग सर्विस वालों का है. नहीं नहीं नहीं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में देखूंगा. फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे. और यहाँ वेट, यहाँ पर एक चेन सो है, शायद इससे हम लोगों को पेड़ काटने हैं, कुछ ना कुछ तो काटना होगा मेरे को लग तो रहा है देखने से. ओ ये काफी बढ़िया है, साउंड कर तो रहा है बट स्टार्ट हो नहीं पा रहा. होगा होगा, ओह नाइस, तो इसको भी रख देते हैं क्योंकि इससे बेमतलब में चलाना बेकार है. आप देख रहे हो, कोई बात नहीं नीचे गिरा, कोई नहीं. उसमें ना फ्यूल डलेगा तो उसे ज़्यादा फालतू यूज़ नहीं करूँगा. जब ट्रीज कट करने होंगे तब यूज़ करेंगे, बट मुझे पता नहीं ट्रीज कट क्यों करने हैं. फिलहाल अभी चल के मैं बैठता हूँ गाड़ी में, लेट्स गो. अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ बट वेट, पहले मैं मैप देख लेता हूँ. एक सेकेंड, इस टाइम मैं देखो ये तो ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ पर हूँ. एंड जंकयार्ड शॉप, एक सेकेंड, शायद से वो ऊपर वाली जंकयार्ड शॉप है, मुझे वहाँ पर जाना है, लेट्स गो. तो मैप बंद करते हैं, मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट निकालना है और एक ही सिंपल सा रास्ता जा रहा है वहीं पर मुझे लेकर चलना है. गाड़ी स्टार्ट करते हैं. अरे गाड़ी ना बहुत ज़्यादा मुझे पुरानी लग रही है जिस हिसाब से इसका साउंड आ रहा है. हेलो, चल पाएगी? लेट्स गो, आराम से उतार रहे हैं, वो राइट लेनी है ना भाई. माउंट, बच के
अभी पहाड़ों में गाड़ी चलाना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है यार, मतलब अचानक से हल्की सी मिस्टेक हुई सीधा गाड़ी खाई में जाके गिरेगी। अरे अरे अरे, आराम से बस, इतनी ज़्यादा बुरी ड्राइविंग भी नहीं है, पर ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं है यार। सीधी भगाता हूँ, मतलब ब्रेक्स इसकी बहुत वीक है भाई, बहुत। अरे रुक जा यार, बहुत ज़्यादा वीक ब्रेक है यार, पूरा होल्ड करके रखना। ओए, आई। चलो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहली ठोकर हमारी हो चुकी है। उतर के देख कर आता हूँ गाड़ी में क्या नुकसान हुआ है। इंजन को करा बंद, ये निकला मैं बाहर एंड गाड़ी यहाँ से ठुकी है, शायद ज्यादा नहीं लगी मेरे हिसाब से, ये ना आगे की ये चीज मुड़ गई है। हाँ, मतलब इस गेम में एक एक डैमेज फुल रियलिस्टिक होने वाला है गाड़ी का। सही है यार, मैंने काफी स्पीड कम कर ली थी इसलिए ज्यादा तेज ठुकी नहीं, वरना तो अलग ही बैंड बज रखी होती अभी गाड़ी की। बाकी हाँ, ये ब्रिज था, एक रिवर है नीचे, मैंने ब्रिज पार कर लिया है और मेरे को 800 miles में भी उतनी दूर जाना है, तो वहाँ पर पहुँचते हैं फटाफट से। मेरे को ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, एक तो वेदर भी फुल मस्त हो रखा है ना, ये सामने का व्यू फुल FPV में रियलिस्टिक ड्राइविंग। फ्यूल भरवा लूँ यार, क्योंकि अभी जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे बीच में एक शहर पड़ेगा, मतलब छोटी सी सिटी है आई थिंक, वहाँ पर फ्यूल पंप होना चाहिए। नहीं, आराम से अभी ठुक जाते यार पेड़ में, गंदे वाला वो भी। बाकी डेस्टिनेशन अभी भी काफ़ी दूर है, 600 meters, बट गाड़ी जिस स्पीड में चल रही है हम लोग पहुँच जाएंगे। और नाइस, हमें यहाँ पर एक फ्यूल पंप मिल चुका है। अरे आराम से यार, तेरी गाड़ी रुकती क्यों नहीं है, मैं नहीं चलाऊंगा। दरवाज़ा कैसे खुल गया भाई, कुछ भी हो रहा है, वेट बंद हो भाई, बड़ा कचाड़ा गाड़ी है यार ये, नई गाड़ी खरीदना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देख रहे हो धुआं कितना बहुत धुआं निकल रहा है। गाड़ी रोकता हूँ यहाँ पे आराम से और रुक जाओ, घुमा के लगानी नहीं, ऐसे सही है। अभी उतरते हैं हम लोग गाड़ी से बाहर, गाड़ी बंद कर देता हूँ एंड अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर, दरवाज़ा करो बंद। और ये हम लोग आ चुके हैं फ्यूल स्टेशन पे और ये धुआं देखो, ये सारा ना हमारी गाड़ी से निकला है भाई, पता नहीं कितना ज़्यादा धुआं करती है यार ये गाड़ी, मच्छर मारने वाली मशीन है क्या। चलो कोई नहीं, सिवाने डेंगू का मौका बंदों को, ये ले लेता हूँ, मेरे को इसे पिक करना है एंड यहाँ पे फिल करना है, वेट इसे ओपन करना पड़ेगा पहले मेरे को। ये हुआ ओपन, ओ एक एक चीज़ में डिटेल दे रखी है यार, नाइस। मेरे को इसे यहाँ पे लगाना है, अरे वापस प्लेस हो गया, अच्छा इसमें रखना होगा इस तरीके से। यार मैं समझ नहीं पा रहा कि इसमें फ्यूल डलेगा कैसे, शायद मेरे को बैठ के करना है। ओह फ्यूल फिल हो रहा है, मेरे को साउंड आ रहा है, शायद हो ही रहा होगा, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा गाड़ी में बैठ के पता चलेगा। हो गया क्या, मीटर बढ़ा, ओ फ्यूल डल, अबे कहाँ जा रहा है, मैं तो ले ही नहीं रहा, रख बे मैं तो ज़्यादा लिया ही नहीं भाई साहब। अच्छा बटन दबाते हुए गिरने लग जाता है, मेरे को इस पर एम करना है बस, और इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ मैं, मेरे को बैठना है और फ्यूल डलना शुरू हो जाएगा, नाइस। मेरे को साउंड आ रहा है पर कहीं, ओके शायद से फुल हो गया इसलिए अपने आप साउंड बंद हुआ। इस बारी बैठता हूँ गाड़ी में, मेरे पैसे कटे, पैसे तो कटे ही नहीं, पैसे कौन काटेगा, फ्री है क्या, फ्री है क्या भाई फ्यूल, तो पहले बताए थे। ये एयर पंप है, गाड़ी के टायर्स की भी हवा भर लेता हूँ, ये देखो भाई, इसलिए चलाने में दिक्कत आ रही है, मैं खाली पीली गाड़ी को बुरा बोल रहा हूँ यार। एयर पाइप तो मैं लेकर आ चुका हूँ गाड़ी में प्रेशर भरने के लिए, बट भरूंगा कहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा यार, अगर यहाँ पर इधर ही लगा दूं क्या। तो गाइस अभी ना मैंने हर एंगल से चेक कर लिया है बट मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं अपनी गाड़ी के जो टायर है ना इनका प्रेशर कैसे बढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं हवा को भर ही नहीं पा रहा हूँ, कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्या मेरे को ऐसे रखना है इस पे लाके, या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पर मैं इसे हवा को डाल सकूँ। सीधी सी बात है, गाड़ी के टायर की हवा कम है तो वो थोड़ी सी स्लो चलेगी, और तो भारी भारी सी चलेगी एंड आई थिंक अभी हम लोग नहीं भर सकते। चलो कोई नहीं, जब ज़्यादा इमरजेंसी होगी उसके बाद अच्छे से ढूंढूंगा कैसे होगा। फिलहाल अभी गाड़ी एकदम पूरी डन है, फ्यूल अच्छे से भर चुका है, एक बार सामने स्टोर में चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्टोर मुझे नज़र आ रहा है। और वेट, इस स्टोर में काफ़ी ज़्यादा सामान है खाने पीने का और साथ के साथ वो सारी चीज़ें भी हैं जो कि गाड़ी के लिए काम आती है, जैसे यहाँ पर एक कूलेंट है और साथ में यहाँ पर शायद से इंजन ऑयल वगैरह है, और इस तरफ में भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि शायद से मैं आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। बट अभी मैं कुछ खरीदने नहीं वाला क्योंकि अभी ना मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही है, प्लस मेरे पास सिर्फ से $500 हैं जिसमें से मेरे को $400 का वो ट्रक लेने जाना है जंकयार्ड। तो ठीक है फिर हम लोग बाद में आएंगे सामान वामान खाने पीने का खरीदने। बाकी हाँ ये अपनी गाड़ी है, जल्दी से मैं बैठता हूँ, दरवाज़ा करते हैं बंद, गाड़ी को मैं कर लेता हूँ स्टार्ट, वेट यहाँ से करा स्टार्ट, लेट्स गो। एक बार ये ना मैप चेक कर लेता हूँ रोड पर निकालने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आगे की तरफ में ना 2-3 रास्ते जा रहे हैं और ये शहर सच, अरे यार ये गाड़ी के पेच टाइट नहीं है भाई, खुल जाएगी किसी दिन। हाँ तो मैं कहता था कि सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और जिमी जंक्स इसका मैसेज देता, नहीं हमें मैसेज आता जॉनी जंक्स का, ये अलग शॉप है, उसके भाई की दुकान होगी शायद। बाकी यहाँ पर सही है शहर, छोटा सा है, रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं और शायद से कुछ छोटी मोटी शॉप है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, बट हाँ यार जो भी है मैप ओपन करता हूँ। इस टाइम मैं यहाँ पर हूँ और मुझे
मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे इसके राइट वाले रोड पे जाना था, फ्यूल पंप के सामने वाले पे। तो गाड़ी को मोड़ते हैं, पूरा यू टर्न लिया। वो शहर एकदम खाली खाली सा है, ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओल्डिश गाँव है। और ये क्या है, न्यू एज ऑटो पार्ट्स। शायद से इस शॉप पे में गाड़ी के पार्ट्स वगैरह मिलने वाले हैं। और यहाँ पर भी कोई छोटी सी शॉप है, पर बंदे के पास गाड़ी बहुत तगड़ी थी। लेट्स गो, हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं यहाँ से सीधा। और सामने देखो सामने एक छोटा सा विलेज आ चुका है। नहीं, आई बच गया भाई। अभी तो गाड़ी भेड़ देता मैं उस विलेज के घर में। बाकी हाँ ठीक ठाक विलेज है, कभी ना कभी हम भी यहाँ पर आके घर लेंगे, बट अभी पैसा नहीं है, बाद में आएंगे। फिलहाल मैं विलेज के अंदर नहीं आना था मेरे को, वेट, मेरे को अपनी गाड़ी को बाहर लेकर जाना होगा। ये थोड़ा सा गलत आ गया मैं। कोई नहीं, आगे वाले कट से यू टर्न कर लेते हैं मेरे को, क्योंकि घूमने में थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है शहर में। मतलब एकदम प्यारी सी जगह है यहाँ पे, बट हमारा घर यहाँ पे नहीं है। कोई भी फटाफट से चल के ना पहले एक गाड़ी खरीदते हैं, फिर उसके बाद कोई नया बिजनेस ढूंढेंगे, कोई जॉब पकड़ेंगे और काम पे लग जाएंगे। तो मेरे को यहाँ से अपनी गाड़ी को राइट लेना है, क्योंकि उसकी जो शॉप है वो यहीं से आगे जाके है। और सामने एक जंप कराने के लिए बहुत तगड़ा रैंप है, बट अभी नहीं जाऊंगा भाई। ये गाड़ी चल रही है, वही बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा उस जंक यार्ड पे। पहले मैं थोड़ा सा गलत रास्ते पे चला गया था, बट कोई नहीं, अपने पास ये मैप है जिसको समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा है। बट ठीक है, हम लोग फाइनली उस जंक यार्ड पर पहुंच चुके हैं जहां से मैं सेकेंड हैंड ट्रक आज परचेस करने वाला हूँ। मैं इस गाड़ी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ सचमुच में, इतनी ज्यादा बुरी तरह अलग अलग जगह ठुकी है ना। बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई पिरो ड्राइवर जैसे तैसे करके इसको मैं यहाँ पर लेकर आ गया। ये देखो बैक साइड का जो ट्रंक है भाई, लिटरली वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, ये पूरी ऐसे एज सा बन गया। और ये कैसे ओपन हो गया, लेट्स गो। ये गाड़ी सचमुच में इसकी बैंड बज गई अच्छी खासी, और टाइम है एक नई गाड़ी खरीदने का। चलते हैं अंदर फटाफट से, और शायद से यही है क्या जॉनी जंक्स। हेलो, ये गाड़ी बेचने वाला तू मेरे को? मैं माइंड में इतनी तगड़ी तगड़ी इमेज बना कर आया था गाड़ी लेने के लिए, बट कोई नहीं, आई थिंक ये गाड़ी उससे तो ज़्यादा बेटर है। और ये लिखा $400, तो शायद यही है हमारी। हेलो, इससे बात कर लेते हैं। ओके, तो फिर डील। Diamondbacks are actually really, really durable trucks. Okay. That's why they're still around. They're from a time when trucks were made of metal. ठीक है, तो ये कह रहा है जो ट्रक है ये उस टाइम का है जब ट्रक मेटल के बनते थे, तो अभी क्या गत्ते के आ रहे हैं? वैसे आ नहीं, अभी थोड़े अलग मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, थोड़ा सस्ता मेटल। बट आप जो भी है, ट्रक मेरे को काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है। और ये क्या है, ये कुछ पुर्जे दे रहे हैं, वो घर पे ले जाके लगाने हैं शायद से। ये भी इसका काम कंप्लीट कर रहा होगा, मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ, ट्रक अपना हो जाएगा। ओके, कह रहे अभी नहीं हो पाएगी कल सुबह, मतलब गाड़ी की पेमेंट हो गई, हमारे $400 कट चुके हैं, बट कल ये जो गाड़ी है ये हमारे घर पर हमें दे जाएगा, खुद ही आके डिलीवर कर देगा। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मेरे को थोड़ा बहुत खाना लेना है, और मैं सोच रहा हूँ कोई जॉब ढूंढ लूँ वापस शहर जाके अपने लिए, क्योंकि $100 ख़त्म, अब क्या करना है, पैसे कहाँ से आएंगे नहीं पता। ट्रक तो खरीद लिया, उस ट्रक का करना क्या है भाई, फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा, और फ्यूल भरवाने के लिए पैसे होने चाहिए। तो चलते हैं, ये वाला रास्ता देखता हूँ एक बारी। बाकी यार इस रास्ते पे ना आगे जाने लायक मेरे को लग नहीं रहा है, ये रास्ता आगे प्रॉपर ख़राब है, कीचड़ कीचड़ है, तो मैं नहीं जाने वाला। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वापस जाने वाला हूँ अपने घर पे। बट वेट, लेफ्ट साइड में ना गाइस एक छोटा सा अच्छा विलेज है, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा एक रोड बना हुआ है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। फिलहाल अभी हम लोग शायद से यहाँ पर अपना घर नहीं ले सकते, बट कोई नहीं, एटलीस्ट मैं देख तो सकता हूँ, उतर के देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया घर हैं। कोई नहीं, हम लोग भी पैसा कमाएंगे इस गेम में, और इनमें से कोई ना कोई एक घर मैं आके जरूर लूँगा। और वेट, ये मोहल्ले वाले मेरे को मार के भगाएंगे, मेरी गाड़ी इतना ज़्यादा धुआं कर रही है, बट कोई नहीं, उनके लिए अच्छी बात है, उनसे मच्छर वच्छर मर जाएंगे आगे सारे उन्हीं को डेंगू वगैरह कम होगा। बाकी ठीक है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है, मुझे नहीं पता था, मेरे को लग रहा था पूरा एक घटिया सी सिटी होगी और प्रॉपर सारा ऐसे जंगल एरिया होगा, बट यहाँ पर एक अच्छी खासी सिटी भी बनी हुई है। मतलब सब कुछ है यार सिटी में, देखो फायर हाइड्रेंट तक लगा हुआ है, और हर जगह पर सीवर, एक अच्छी सिटी है, रोड पे हेडलाइट्स लगी हुई है, और क्या चाहिए यार, सब कुछ है। लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालता हूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ पर नहीं है, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है तो अभी वहाँ के लिए निकलते हैं। पर हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, सिटी में एक बार चल के पता कर लेंगे, क्या पता कोई ना कोई मुझे जॉब मिल जाए जिससे मैं कुछ पैसा वगैरह कमा सकूं। और वेट, आराम से बच गए, ठुकता भी बुरे वाला मैं। बाकी यही है वो रास्ता जहाँ से मुझे देख रहे हो, वहाँ से निकलते रास्ता पूरा नाश पिट गया भाई, क्या ऊबड़ खाबड़ जगह है। सचमुच में एक 4x4 व्हीकल यहाँ पर अच्छे से चल सकता है। और लेट्स गो, आ चुका हूँ मैं आगे, आराम से राइट मोड़नी है गाड़ी। ये है वो जगह,
इन भाई साहब से चल के बात करते हैं। तीन चार शॉप ही हैं यहाँ पर, शायद से ज़्यादा बड़े बिजनेस नहीं होते होंगे इधर। गाड़ी करता हूँ बंद क्योंकि ज़्यादा फालतू फ्यूल अपने पास आ नहीं रहा है। हम लोग जल्दी से चलते हैं अंदर। हेलो भाई साहब, ये तो उसी का भाई लग रहा है सचमुच में। कौन सा फॉर्म? शायद कोई फॉर्म भरने के लिए बोल रहे इंस्पेक्शन। ऑलराइट, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये एक प्रॉपर मैकेनिक है, मतलब सारी गाड़ी वाड़ी रिपेयर कर देता है। एंड $50 मांग रहे हैं हमारी गाड़ी के इंस्पेक्शन के लिए, मतलब देखेगा सिर्फ $50 में, उसके बाद इसमें कोई कमी निकली उसमें वो पार्ट कितने का लगेगा उन सब के रेट ये गाड़ी देखने के बाद बताएगा। फिलहाल आप लोग एक बार ये मौसम देखो, क्या बढ़िया मौसम था, बट अभी अचानक से बारिश शुरू हो गई है और प्रॉपर दूर दूर तक मस्त ग्रीनरी आ रही है भाई। लेट्स गो, यहाँ पर एक शॉप है न्यू एज ऑटो पार्ट्स। क्या कोई जॉब मिलेगी हमें काम वाम करने के लिए? हेलो, बाकी यहाँ पर ऑटो पार्ट्स रखे हुए सारे के सारे। भाई $460 का क्या महंगे महंगे सामान है भाई, मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ $100 है, मैं कुछ भी नहीं रिपेयर करवा सकता यार, सस्ता सामान नहीं है। बाकी यहाँ पर दुकान पे भी कोई है नहीं, चोरी वोरी कर लूंगा यार, इतने सारे पार्ट्स चुरा के ले जाऊंगा एक गाड़ी तो बनी जाएगी। बाकी यहाँ अभी हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से। फिलहाल मैं गाड़ी लेकर निकलता हूँ घर। ये करा डोर ओपन, बैठो चुपचाप निकल लो भाई, यहाँ पर कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। पता नहीं, शायद से कुछ ना कुछ तो काम होगा जो हम लोग करके पैसा कमा पाएंगे, वो हमें शायद आगे पता चलेगा। ये गाड़ी को क्या हो जाता है, स्टार्ट ही नहीं होती है। अब जाके स्टार्ट हुई है और बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रही है, अलग ही रिलैक्स वाइब आ रही है। एक काम करता हूँ, गाड़ी को ना एक सेकंड के लिए यहाँ पर रोक के ना अंदर चल के थोड़ा बहुत सामान खरीद लेता हूँ। ब्रेक आराम से उतरता हूँ, गाड़ी चालू रहने देते हैं, अभी फ्यूल डला हुआ है अच्छा खासा। मेरे को पानी चाहिए, पानी मिलेगा? लॉटरी टिकट, ओ वेट, लॉटरी टिकट चाहिए मेरे को, विन अप टू $10,000। हाँ, मेरे को खेलनी है लॉटरी खेलनी है। ओह, तो मेरे को ये ओपन करना है और इसमें से $10 50 मिल गए। ओ नाइस, ये नुकसान हुआ फायदा हुआ है। ओ ये देखो कैश आ गया, ये मस्त है यार। इसको एक बार मैं इन्वेंट्री में डालूं तो $90 ही दिखा रहा है। 100 हो गए 100, ज्यादा फायदा नहीं हुआ। दोबारा से एक बार लॉटरी खेल के देखो क्या यहाँ पर, अगर मैं इसे ओपन करूँ $250 मिले तो मैं ये दोबारा और मिल तो रहे हैं। 250 हो गए, फायदा हुआ है। दोबारा और 10,000 मिले। ये मिलेंगे कैसे? लेकिन मैच एनी 3 count टू विन दैट अमाउंट। ओ अच्छा, अभी भी नहीं मिले होंगे, अभी नुकसान हो रहा है लॉटरी में। मेरे को कोई 3 खोलने हैं जिनका नंबर सेम हो। भाई ये बहुत रिस्क है, 50 इसमें आया, 50 हार गए। भाई ये बहुत गलत सीन है यार, मैं फिर से गरीब होता जा रहा हूँ। थोड़ी अलग ही टाइप की लॉटरी है भाई, मुझे नहीं खेलनी। बाकी मेरे को कुछ सामान खरीद, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए। अरे बाप रे, ये क्या हो रखा है? रुको बंद करो भाई इसे, फ्यूल उतर रहा है खाली पीली। इसकी टांग, अंधेरा हो गया भाई, मेरे को जल्दी से ना घर निकलना होगा क्योंकि जिस जगह पे अपना घर है ना वहाँ पे कोई रोड लाइट्स वगैरह नहीं है, फुल अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखने वाला भाई, पता चला किडनैप कर ले कोई हमें। बाकी हाँ, मेरे को बस पानी चाहिए था और मैं खरीद, ओह ये क्या क्रैम, इससे पेट भरेगा? देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। यहाँ पर अंदर कुछ 12 कैंस हैं, ये ले लेता हूँ। कितने का ये? अबे पीना नहीं था, कच्चा सीधा लेके पी लिया, फेंक भी दिया यहीं पे। पूरा डब्बा चाहिए इसे, लेकर चलते घर पे रखेंगे, पूरा निकाल के पिएंगे। ट्रंक खोलो भाई, ये पहले साइड रखो, ये खोला मैंने ट्रंक, इसको उठा के रख देता हूँ ट्रंक के अंदर। अरे पिए क्यों जा रहा है निकाल के? देखो अभी ना अपना थर्स्ट तो फुल हो गया क्योंकि हमने 2 can पी लिए हैं। मेरे को ना अभी कुछ खाने के लिए चाहिए, कोई मील चाहिए, ये ठीक है शायद से। $3 का है तो ये मैंने ले लिया यहाँ से और मेरे को इधर बस पेमेंट करनी है। और ये आ गया हमारा बैग, ओ नाइस, अभी हुआ ना, पता नहीं कैन तो मैं फ्री में उठा के ले आया। चलो कोई नहीं, बंद करते हैं। और जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी वही हुई। पूरी रात हो चुकी है और वहाँ पर से रोशनी कैसी आ रही है? चांद की रोशनी है क्या? कुछ ज़्यादा ही मस्त है। बैठो गाड़ी में, और हेडलाइट है ना? नाइस, गाड़ी में हेडलाइट है, हेडलाइट चल रही है। और इसको ऑन कर लेता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा आज मैं सही सलामत घर पहुँच पाऊँगा। वैसे भी कल हमारा ट्रक डिलीवर होना है तो मेरे को घर पहुँचना होगा, मुझे वो ट्रक देखना है, मेरे को चलाना है भाई वो। इस गाड़ी को चला चला के मैं परेशान हो गया हूँ। लेट्स गो, सीधी पकाते हैं। मैप देखने की जरूरत नहीं है, रास्ता एकदम स्ट्रेट है, एक ही तो रास्ता है यार, वहीं पर जाना है मेरे को। आराम से निकलते हैं अभी घर पर। ये मोड़ी मैंने गाड़ी को राइट और प्यार से आई ऊपर। यार गेम बहुत ज़्यादा मस्त है, एक अलग ही वाइब आ रही है इस गेम से, पता नहीं मुझे क्यों। वो देखो सामने बर्फीले माउंटेन, वहाँ बर्फ पड़ रही है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। गया 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 गया, मोड़ है बच। अरे अरे, आराम से ठुक जा, बढ़िया, एटलीस्ट ब्रेक लगेगी। इधर उधर जाके गिर गया ना फिर वो टोइंग सर्विस को बुलाना पड़ेगा, वो अलग पैसे लेंगे भाई, इससे बढ़िया गाड़ी टूट जाए। वैसे भी कल अपनी नई गाड़ी आ रही है, पॉप्स मारी है गाड़ी, एग्जॉस्ट लगाया हुआ है भाई,
लोहे का साउंड तो बिल्कुल नहीं है, एग्जॉस्ट लगा रखा हमने बहुत तगड़ा। यप गाइस, तो फाइनली मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूँ, ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। अभी भी कुछ भरोसा नहीं है, शायद इधर उधर अपनी गाड़ी फिसल के चले जाए और मैं ना पहुंच पाऊँ, बट नहीं अब पहुंच जाऊंगा। मेरे को यहाँ से बस ये आवाज़ अपनी गाड़ी से ही आ रही है, ऐसा लग रहा बादल फटा। डन, गाड़ी लेकर आ चुके हैं और प्यार से मोड़ लेता हूँ। भाई कितना घटिया जगह पे यार घर अपना, वैसे देखा जाए तो अच्छी जगह है बट बहुत ज़्यादा दूर है यार सिटी से। आराम से गाड़ी मोड़ के यहाँ पर खड़ी करके ब्रेक, बस 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 बंद करो, सरदर्दी है भाई ये गाड़ी तो। गेट खोलो, एग्जिट, गेट बंद। फाइनली हम लोग सही सलामत घर पे पहुंच गए हैं, पूरे के पूरे पहाड़ में धुआं मचाते हुए। क्या ही मस्त व्यू आ रहा है, रात में तो ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है यार। यहाँ से एक रास्ता बन जाता है ना, ऐसे स्ट्रेट उतर जाते हैं वहाँ से, बढ़िया रहता। इतना आगे जाने के लिए पूरी घुमा के लानी पड़ती है गाड़ी। बाकी यहाँ अभी चलते हैं हम लोग ऊपर, बस हमें सोना है, नेक्स्ट डे हो जाएगा शायद से, फिर क्या पता। ओह हो गया नेक्स्ट डे, नाइस। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं उसकी मेल चेक कर लेता हूँ। और ओह वेट, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारी मेल आई हुई है। टोइंग इंश्योरेंस, जॉनी जंक्स, कैश फॉर योर स्क्रैप मेटल। ओह ये क्या कह रहा है। गाइस कल तक हमें पैसों की कमी थी ना, हम लोग पैसा कमाने के लिए लॉटरियां खेल रहे थे, बट आज हमें काफी सारे जॉब ऑफर्स आ चुके हैं। वो जो जॉनी जंक्स बंदा जिससे हमने ट्रक खरीदे ना, वही कह रहा है कि जितना भी कूड़ा कबाड़ा पड़े रहता है ना मेटल का इन सभी जंगल वगैरह में, तो तुम्हें जितना भी स्क्रैप है लाके मुझे बेच दो, उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। और भी यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, और एक ये बंदा है, ये कह रहा है वी नीड सम वुड डिलीवर्ड एज मच एज यू कैन गेट। ओके, तो ये हमें लकड़ी के बदले पैसे देने वाला है। एनी ट्री अराउंड टाउन मार्क विद अ रेड रिबन कैन लीगली बी कट डाउन, वी पे $20 पर लॉग यू डिलीवर। ओके, तो ये कह रहा है कि टाउन के आसपास जितनी भी ट्री पर रेड रिबन लपेट रखा है, हम लोग उन्हीं ट्रीज को काट सकते हैं लीगली। मतलब उसके अलावा अगर और कोई ट्री मैं काटता हूँ तो वो इलीगल है। मतलब सीधी सी बात है, पेड़ काटना गलत बात है, तो इसलिए। बाकी ओह वेट, ये अपनी नई गाड़ी आ चुकी है और वैसे देखा ही नहीं, नाइस। कल तक ये क्या घटिया हालत में थी, पर उस बंदे ने उस गाड़ी को एकदम बढ़िया रिपेयर और नया पेंट करके दिया है। लिटरली यार इतना तो नहीं लग रहा कि शोरूम से निकल कर आई हो, बट हाँ ये गाड़ी किसी भी हालत में पुरानी नहीं लग रही है। जल्दी से बैठता हूँ गाड़ी में, ये हाल होता है फिर जंक यार्ड से गाड़ी लेने में, देख रहे हो सीट ही नहीं है दूसरी वाली, क्या बंदा चौकड़ी मार के बैठेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में फोर व्हील ड्राइव है यार, अरे भैंस की टांग गाड़ी क्यों नहीं चल रही। हेडलाइट तो चल रही है यार, यानी बैटरी ठीक है गाड़ी की। दोबारा चला रहा हूँ, अरे कुछ प्रॉब्लम है यार इसमें, क्या दिक्कत आ गई भाई, खराब गाड़ी दी है, क्या खराब है इसमें। ओह वेट, यहाँ पर देखो फॉल्ट आ रहा है, मेरे को दिख रहा है इसमें बैटरी भी ना कुछ कनेक्ट नहीं है, कुछ वायर वगैरह लग नहीं रहा इसमें कनेक्ट है, कुछ तो प्रॉब्लम है यार इसमें। ओह एक सेकंड, ये क्या करा मैंने बैटरी को डिटैच कर दिया, मुझे इसे ले आकर चार्ज करना है। अंदर शायद मैंने एक चार्जर देखा तो था, ये बैटरी को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ मैं और मुझे इसे यहाँ पर चार्ज करना है, तो ये रखा मैंने और बैटरी चार्ज होने लग गई है। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसे चार्ज होने देते हैं और मैं देखता हूँ यहाँ पर गाड़ी। अभी हेडलाइट जल रही है, वैसे बैटरी निकाल दी तो नहीं जलनी चाहिए। अबे ये हेडलाइट कैसे जल रही है, पता नहीं शायद से ड्यूअल बैटरी होगी। हाँ मतलब कई गाड़ी में होता है ड्यूअल बैटरी हो, बट मेरे को ना समझ नहीं आ रहा ये गाड़ी का सिस्टम भाई, जंक यार्ड से हम लोग लग रहा गलत गाड़ी ले आए, इसमें बहुत से पार्ट्स मिस है। ये देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब पूरी खाली लग रही है गाड़ी, बस इसमें इंजन लगा हुआ है और अंदर का काफ़ी सारा सामान लगा हुआ है, बट बहुत सारी वायर्स एंड चीज़ें मिस है। ये देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लगना है, तो आई थिंक $400 में भी उसने ठीक ठाक गाड़ी दे दी, ये भी नहीं मिलना चाहिए था वैसे तो। बाकी बैटरी शायद से चार्ज हो गई है, मैं एक बार इसे दोबारा ले जाके लगाता हूँ और एक बार ट्राई कर लेता हूँ, वरना हम लोग इस गाड़ी को आराम से ना रिपेयर ही करेंगे। तो मैंने ये बैटरी यहाँ पर ला के लगा दिया है, ट्रंक बंद करता हूँ और बैठते हैं गाड़ी में, ट्रंक नहीं बोनट, और करते हैं स्टार्ट। मेरे को लग नहीं रहा है अभी भी होने वाली है। बाकी ध्यान से देखोगे ना तो गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है, एम्प्टी दिखा रहा है वहाँ, तो हो सकता है फ्यूल की वजह से ना हो रही हो, नहीं मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो फ्यूल खरीद के लाएंगे फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कल को गाड़ी वगैरह अटक जाए कहीं पर तो हम लोग इसका यूज़ करके गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। बाकी यार इसमें ट्रंक भी है, मुझे आज ना पेड़ काट के ले जाने हैं, और आज ये गाड़ी बहुत ज़्यादा काम आती पर उसने हमारे साथ स्कैम करा है, ख़राब गाड़ी दी है बंदे ने, पर कोई नहीं इस गाड़ी को ठीक करेंगे। फिलहाल आज मैं ट्रंक मतलब जो लकड़ियाँ काट के ले जाने वाला हूँ, लॉक्स को कैसे ले जाऊँगा मुझे पता नहीं। बाकी चेनसो अपना ये पड़ा, इसको उठाता हूँ और मेरे को ट्री ढूंढना है जिस पर रेड रिबन लगाओ और मुझे उसे काटना है। सामने ये ट्री, लेट्स गो, मुझे ट्री मिल गया, इसको फटाफट से मेरे को चल के कट करना है, हो जा। ओह वेट, पहले मेरे को इसे स्टार्ट करना होगा, हो जा, बड़े अलग तरीके से होता है। ए एक सेकेंड, इसमें भी पेट्रोल ले लेगा क्या। ओ हो गया हो गया हो गया भाई साहब, चार बार में हुआ है, सारी खराब खराब चीज़ें हमारे पास। ओह नाइस, क्या मस्त तरीके से पेड़ कट रहा है,
हमें कहाँ जा रहा, रुक जाइए, कैसे पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी फिजिक्स है भाई इस गेम की तो। बोले वाह वाह, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, अरे नाइस सब कुछ। अबे का पागल हो गया भाई, रुक जाओ ए, बस कर भाई, रुक ही नहीं रहा पेड़। बाकी हाँ यहाँ पर और भी मुझे कट लगाने हैं क्या? ऑब्वियसली अरे पूरा पेड़ तो कोई लेकर जाएगा नहीं, तो मेरे को यहाँ पर शायद से कट मारना है। ओके तो मैंने इसे काट के इसके अलग अलग पीस कर लिए हैं, वो जो बाकी का आगे का ट्री है वो मेरे को यहाँ से काटना है। ओके हो गया, चलो तो अभी ट्री को मैंने अच्छा खासा काट लिया है, चेनसो को बंद करते हैं, अपनी गाड़ी को मैं लेकर आता हूँ। ये वाली गाड़ी तो जाएगी नहीं, ट्राई करता हूँ छोटी वाली गाड़ी में ही लेकर चलूँ, और चेनसो अपने साथ ही रख लेता हूँ गाड़ी के ट्रंक में, मतलब वैसे जगह तो है नहीं। अरे आगे आगे, इसके आगे वाली सीट में है ना इसको, अरे बंद नहीं होना पड़े यहाँ पर, तू इसको खोलो, इसको मैं रखवा देता हूँ अंदर, हो जाएगा ना? अरे नहीं यार विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, इसे खोल के इसको रखवाता हूँ यहाँ पे। अरे कल खाने पीने का सामान कौन खाएगा कौन, मेरे को हंगर है ना बहुत ज़्यादा। ग्रॉसरी बैग, अबे खाने का सामान अच्छा है इसके अंदर, ठीक है मैंने इसे खा लिया और अभी हंगर फुल हो चुका है। ये बाकी कैन का है पूरा वो है, इसको उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पे और एक कैन पी लेता हूँ, ठीक है बढ़िया रहेगा, अभी उसमें बहुत सारी है तो कैन तो चलेंगे। और यार मस्त चीज़ तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्प्रे भी पड़े हैं, तो मैं गाड़ी पे स्प्रे कर सकता हूँ। एक सेकेंड, हो रहा है, खाली पैकेट रखे हुए हैं क्या, काम तो कर नहीं रहे पता नहीं, चलो कोई नहीं से बाद में देखेंगे अभी मैं। अरे यार यहाँ पे रख, बैठ जा मस्त। हाँ तो मैं ये कह रहा था चेनसो को ना हम लोग रख देते हैं अपनी गाड़ी में यहाँ पे, अब बढ़िया रहेगा। पता नहीं यार वो जो लॉक्स हैं मैं उन्हें गाड़ी में रख पाऊंगा या फिर नहीं, बट यार ट्राई करते हैं किसी तरीके से चले जाए, मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ ताकि पैसे कमा पाऊँ। एक गाड़ी, एक तो स्टार्ट इतनी जल्दी होती है भाई, अलग ही मजा आता है इसे स्टार्ट करने में, खच 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 खच, भैंस की टंग चालू ही होती है गाड़ी। बाकी ये रहे सारे के सारे लकड़ियाँ, आराम से पहले गाड़ी को रोकना है, इसकी ब्रेक्स ठीक करवानी है यार कोई मैकेनिक पे चल गए। मैकेनिक तो वैसे मिल गया है बट यार पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है, मन नहीं कर रहा उसके पास जाने का, लूट लेगा, इतने तो पैसे है ही नहीं। तो यहाँ पर लॉक रखा, किसी ना किसी तरीके से अंदर चला गया, या कोई ग्लिच बग जो भी है मेरे को बेच कर आना है, बस ये चलती गाड़ी से ना हट ना जाए। मैंने दो यहाँ पे रखवा दिए, तीसरा वाला पीस भी मैं यहाँ पर रखवा देता हूँ, नाइस हो जाएगा हो जाएगा। टोटल चार लॉक्स मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं, पर लॉक मुझे $20 मिलने वाले थे, शायद मैंने तीन सही से रख दिया, ये वाला सही से नहीं रखा गया, इसको ये रखवा दिया, परफेक्ट है। अभी बैठता हूँ गाड़ी में, बंद करा गाड़ी चालू, प्लीज़ गिरना मत। चार लॉक्स कैरी कर लिए मैंने, चार के $80 मिलेंगे, चले अरे 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 हो रहा है, नहीं गिरा, थोड़ी सी धीरे धीरे चलाता हूँ, बट ये मेरे को बेचना है आज, क्योंकि यार मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ $48 हैं, तो सचमुच में कुछ नहीं कमाया हमने। गाड़ी खरीदी थी $400 की, वो भी ख़राब, सब पैसा बर्बाद हो रहा है भाई। आराम से, ये वाला ब्रिज बहुत ज़्यादा बेकार है भाई, लकड़ियाँ बच गई। एक तो यार ये पता नहीं कैसी सी जगह है, यहाँ पर हमेशा बारिश ही होती रहती है, वैसे हाँ यार बारिश अच्छी लगती है, तो मतलब होते रहनी चाहिए। फिलहाल अभी मैं गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ, एंड शायद से मुझे लकड़ियाँ बेचने के लिए पीछे ही जाना है। वेट, यही जगह है देखो, मेरे को यहाँ से पीछे मुड़ना है। अरे दरवाज़ा खुल गया भाई, इतना सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है ना भाई, कुछ दिख भी नहीं रहा है अगल बगल का। तो मुझे गाड़ी को ना यहाँ से लेफ्ट लेना है, और ऊपर ही है वो जगह जहाँ पर हम लोग लकड़ियों को ले जाकर बेच सकते हैं। आराम से राइट मोड़ते हैं, और वेट तो मस्त जगह लग रही है भाई मेरे को तो, भाई क्या क्या ऑफ रोडिंग रास्ते बना रहे हैं, कोई बंदा लैम्बो वैम्बो, वैसे लैम्बो क्यों ही ले गया क्या बोल रहा हूँ यार। नाइस, हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और ये है मस्त जगह, यहाँ पर मैं पार्क कर देता हूँ अपनी गाड़ी को। फाइनली उम्मीदें हैं मेरे को इस गाड़ी से, भले ही कितनी भी घटिया हो, पर यार हर जगह पर हमें पहुंचा देती है। वेट, क्या फिजिक्स, क्या मड फिजिक्स है, सिर्फ मड में अच्छी खासी फिजिक्स है, ये देख रहे हो जहाँ से अपनी गाड़ी आई है, क्या भाई साहब ये तो इस मामले में भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी है। फिलहाल अभी मैं फटाफट से ना इन लॉक्स को कैरी करता हूँ, एक सेकेंड आ जा, और मुझे इसे डालना है इस वुड में, मैं सही जगह पर आया हूँ, इसको रखा यहाँ पर, इधर दिखा रहा है 80 kg वेट हो गया, मतलब यानी ये बिकेगा, वेट बढ़ रहा है तो सही है। बारी बारी वुड लानी है क्या, पहले बताते मैं वेट के हिसाब से लाता, अच्छा सबका 80 है हमने तोल के काटी है भाई। चलो 80 की दो हो गई, ये वाली 80 की तीसरी, एंड ये है लास्ट, इसको भी उठा के मैं रखवा देता हूँ इसके अंदर। एंड अभी इस काम के मेरे को मिलने चाहिए $80, तो ये मैंने करे कैरी, और ये डाले इन्वेंट्री में, और 48 थे तो यानी मेरे पास 128 हो गए, नाइस। बाकी यार ये जगह ना सचमुच में बहुत ज़्यादा प्यारी है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग पैसा कमाना सीख गए हैं, यानी अभी मैं थोड़ा आराम से चिल कर सकता हूँ, मुझे अगर पैसों की गलो कमी पड़ेगी तो मैं गाड़ी उठाऊंगा, लकड़ियाँ काटूंगा, और फिर उसके बाद उन लकड़ियों को आगे बेच दूंगा, पैसा मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा। बट पता प्रॉब्लम क्या है, अगर एक बार ही अपनी वो बड़ी वाली गाड़ी ठीक हो जाएगी ना, तो मैं कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आ पाऊंगा, क्योंकि यार ये गाड़ी ना छोटी है, ये गाड़ी इस काम के लिए बनी नहीं है, बस ट्रैवलिंग के लिए है, वो भी स्ट्रेट रास्तों पर सही है, क्योंकि मड में आते ही ना इसकी भी बैंड बज जाती है। फिलहाल मैंने उतार लिया जैसे जैसे करके,
ओह वेट, इसके दरवाजे, अरे अरे अरे, आराम से आराम से आराम से, चिल चिल, आप लगे, बच गए बच गए बच गए। बड़ा डर लगता है इसे लाने में। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अभी ना एक काम करते हैं, जंकयार्ड की तरफ मैं जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत अगल बगल देख रहा हूँ कि कोई मेरे को स्क्रैप मिल जाए, कुछ पुराना लोहे का सामान, कोई भी मेटल हो मैं उसे ले जाके बेच दूंगा। शहर में चलूंगा, यहाँ पे अमीर अमीर लोग रहते होंगे पक्का, इन्होंने कुछ ना कुछ तो लोहा बार रखा होगा घर के। ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो अच्छी खासी साफ सफाई है, गलत फहमी थी। रोकता हूँ गाड़ी, यहाँ पर एक कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा बिकेगा क्या? इसके अंदर लोहे का सामान होगा तो देख लेंगे, बेचते हैं, ले जाके इसे रख देता हूँ गाड़ी में। कुछ ना से तो बढ़िया ही है, बाकी इसको बंद करो। यहाँ के बंदे सोच रहे होंगे कूड़े वाली गाड़ी आई थी भाई, कूड़ा उठा उठा के ले जा रही है। कोई नहीं यार, ये काम भी बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ यही जॉब मिल जाए भाई, मस्त है, पैसा वैसा कमा लेंगे यार, एक बार बढ़िया बढ़िया घर हो जाए इस गेम में, फिर मजे है। मैं इसके 3-4 बैग मिले हैं, बेच कर आता हूँ इसको, रख लो भाई। अबे यार जगह नहीं बची यार, किस्मत ना सचमुच में बहुत ज्यादा खराब है, इतना घूम लिया बट मेरे को ना कहीं पर भी कोई भी स्क्रैप नजर नहीं आ रहा। जंकयार्ड की तरफ ही चलता हूँ, क्या पता उस रास्ते में कुछ ना कुछ मिल जाए और मैं वो बेच के आज थोड़ा बहुत और पैसा कमा लूँ, मतलब अच्छा लगेगा यार, थोड़ा पैसा आ जाएगा तो। फिलहाल यहाँ से लेफ्ट लेना है अपनी गाड़ी को, शायद ऐसे ना रोड के साइड साइड में कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे को प्रॉपर जंगलों के बीच में जाना पड़ेगा स्क्रैप वगैरह ढूंढने के लिए। बाकी ये मैं पहुँच गया हूँ जंकयार्ड, गाड़ी को लगाता हूँ मैं साइड में आराम से। वेट वेट वेट, प्यार से रुक जा, नाइस, मेरे को इसे बेचना है तो ये रुक जा यार, बंद ही नहीं होती गाड़ी तो। नाइस, आ गया मैं बाहर। ओ गाड़ी के अंदर बैठ के तो भाई अलग ही व्यू आता है, पर बाहर निकलते कुछ ऐसा व्यू आता, देख रहे हो? फिलहाल हाँ मैं ये कह रहा था थोड़ा बहुत आगे चल के देखता हूँ, क्या पता इधर जंगल में कुछ स्क्रैप वगैरह मेरे को मिल जाए, कुछ भी पड़ा हो यार। वैसे यार कोई लॉजिक तो बनता ही नहीं है कि स्क्रैप वगैरह मुझे जंगल के बीच में मिले, मेरे को सिटी के आसपास मिलना चाहिए, वो कोई बात में सेंस भी है। फिलहाल अभी मैं भाग करना इस वाले माउंटेन के टॉप पे आ चुका हूँ, शेर वेर तो नहीं घूमते ना यहाँ, पता चला मेरे को लपेट दे। बाकी हाँ गाइस, मैं यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था जो चीज़, वो मेरे को नहीं मिली है, तो भी फटाफट ना वापस नीचे निकलते हैं क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा अभी, और अंधेरे में गाड़ी चलाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब पसंद है बट रियल लाइफ में पसंद नहीं, यहाँ इस गेम में नहीं पसंद भाई, कुछ दिखता ही नहीं है, तो रस्ते इतने डेंजरस। अबे एक सेकंड, इसकी दुकान का बोर्ड है नहीं, ये भी तो जंकी है, इसको इसकी दुकान का बोर्ड ले जाके बेच देते हैं, ले भाई लोहा। ठीक है एक सेकंड रुको, मैंने यहाँ पर ये कुछ ये बैग लेकर आया था, इसको बेच के देखते हैं। अबे किसको बेचना है, हेलो कोई है क्या यहाँ? अबे एक सेकंड भाई, स्कैम हुआ है, यहीं पर बेचना था ना, मैं आया तो सही जगह पे हूँ शायद। एक सेकंड यार, बाहर तो नहीं रखा उसने बेचने के लिए, अच्छा ये है कि तू है क्या यहाँ पर खड़ा था, ये ले कूड़े की थैली। अबे बहुत मस्त मस्त कूड़ा है इसके अंदर यार, ये लेना, इसको खरीद और पैसे दे, इससे बात करूंगा। ओह तो कह रहा जितना भी रिसाइक्लेबल है उसको उस एरिया में रखो, कहाँ है वो एरिया, रिसाइक्लेबल एरिया कहाँ पर है यार, मुझे तो कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है रिसाइक्लेबल एरिया। वेट यहाँ पर कुछ तो एरो है शायद, इस कोने में है, नहीं यहाँ कौन बनाएगा इसे छुपा के। अरे भैंस की टंग है कहाँ पर ये बता मेरे को तो। ओ वेट 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 वेट, ये वाला जो कूड़ा है ना ये नहीं खरीदने वाला है, ये मैं समझ गया, ये प्रॉपर ना गार्बेज है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप खरीदेगा, मेरे को रखना तो यहीं पर था बट ये मेरे को समझ आ गया कहाँ पर बिकने वाला है। मैं इतनी देर से खाली पीली कन्फ्यूज हो रहा हूँ, गाड़ी चलाओ, मेरे को रास्ता भी उसका मिल चुका है। एक सेकंड, अरे स्टार्ट हो जाए यार प्लीज़, ऐसे मत कर। हाँ तो ये जो टॉप में जगह आ रही है ना, मेरे को वहाँ पर जाना है अपनी गाड़ी को लेकर और फिर ये बिक जाएगा। मैं खाली पीली इतनी देर से उस बेचारे को ये कूड़ा बेचने में लगा हूँ, बट ठीक है अभी मेरे को समझ आ चुका है वो प्रॉपर स्क्रैप्स ही खरीदने वाला है, मतलब जो भी प्रॉपर मेटल वेटल वाली चीज़ें होंगी वो सारी लेगा, बट ये सब नहीं लेने वाला। एक जगह है मेरे को ऐसा लग रहा है वहाँ पर ये बिक जाएगा गाड़ी लेके चलते हैं। मेरे को ऐसे यहाँ से लेफ्ट ही होना है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह, मेरे को यहाँ से स्ट्रेट जाना है एंड शायद से फिर वो जगह आ जाएगी। भाई एक तो ये रास्ते और मेरी ड्राइविंग, भाई दोनों का कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है। वैसे हाँ मैच हो रहा है कॉम्बिनेशन, बट ये गाड़ी उस कॉम्बिनेशन के बीच में नहीं आ पा रही है, इसकी ब्रेक्स इतनी ख़राब है ना, मतलब ये गाड़ी जल्दी रुकती नहीं है, और मेरी आदत है तेज भगाने की, मैं सीधा फुल रेस दे देता हूँ और फिर ये रुकती नहीं। ओ वेट वेट वेट, अभी हम लोग आ गए ना सही जगह, लेट्स गो। तो मेरे को अपनी गाड़ी को भी यहीं खड़ा करना है, गाड़ी करी बंद, तो मेरी गाड़ी कूड़ा नहीं है इसको समझ के इसके पैसे मत दे दियो तो चलो वो इस कूड़े के पैसे दे रहा है। ये ले भाई ये कूड़ा मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर ही मेरे को रखना था, और ये भी लिया, ये रखा यहाँ पे, लाओ सर पैसे हैं। ओके ओ दिए दिए दिए, मिले कितने मिले? 128 है भाई। ओ $20 दो बैग के, $10 का बिक गया कूड़ा भाई, फिर तो कूड़े वाली गाड़ी निकालो भाई, असली कमाई तो इस काम में। $10 मिले भाई मेरे को एक कूड़े को, पूरा कूड़े का पहाड़ है।
भाई क्या मस्त जगह है। फिलहाल ठीक है यार, मैं तो कह रहा हूँ आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में पक्का हम लोग कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी को रिपेयर करके बहुत सारा पैसा कमाएंगे इस गेम में। तो आई होप आपको आज की वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना, और आप चाहते हो कि इस गेम प्ले सीरीज को कंटिन्यू करा जाए तो इस वीडियो पे 5 लाख लाइक कंप्लीट कर दो, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना गेम कैसी लगी। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।